हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्लीव्स का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए उसके लिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है कुछ इस तरह से, और हमारी जो स्लीव्स है ये हम 18 इंच की रेडी रखेंगे, और इसके ऊपर मैंने इनर अटैच किया है। ये देखिए अंदर की तरफ, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और जो इसकी लंबाई रखी है वो मैंने 19 इंच रखी, यानी कि हाफ इंच ऊपर जाएगा और हाफ इंच नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हमारी टोटल 18 इंच की रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स। और आगे से ये मैंने इसमें फोल्ड कर रखा है इसको 14 इंच का, ठीक है। आप अपनी स्लीव्स के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी स्लीव्स के आगे से चौड़ाई रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब ये देखिए, मैंने चारों तरफ से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, और सिलाई लगाने के बाद में कुछ इस तरह से बीच सेंटर में मैंने मार्किंग भी की है, ठीक है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हम स्लीव्स को साइड में रख देते हैं, और इस तरह से मैंने ये बुकरम ली है। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग है तो आप उसके ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे अब। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने इसकी लंबाई रखी है वो इसकी 5 इंच, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने अपनी स्लीव्स के आगे की जो मोहरी है उसके अकॉर्डिंग रखी है मैंने ये 14 इंच, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में ये देखिए आप, ये वाली हमारी बंद वाली साइड है, नीचे से हम 1.25 इंच यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा उसके ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह से, ओके। और इसके ऊपर 3 इंच, ठीक है, इस तरह से मैंने मार्किंग की है, ओके। अब ये देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें बिल्कुल सीधी इस तरह से सीधी लाइन लगानी है, ओके। और अब हम यहाँ से इसमें, यहाँ से 3 इंच के बीच में हमें इसमें गैप रखना है। इसमें हम इस तरह से गोलाई देंगे, जैसे हमारी पत्ती वाली होती ना, पत्ती वाला आकार, सेम उसी तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमारा जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन हम लीस का लेंगे, ये भी हम 1 इंच का रखेंगे, ओके। टोटल 1-1 इंच के ऊपर हम इसी तरह से इसकी बाहर से भी इसी तरह निशान लगा लेंगे, और नीचे से ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 1 इंच रखना है, ओके। और 1 इंच ही हम इस तरफ रखेंगे, और अब हम इनको बिल्कुल सीधा इस तरह से मिला लेंगे, ये हमने कुछ इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमारा जो बाहर वाला निशान है, हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, ओके। और अब हमने जो यहाँ पर सीधी, अब हम इसकी यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, ओके। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हम इसकी कटिंग कर ली है। और अब हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर अच्छे से इसको सेट करेंगे। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरह से बुकरम के ऊपर जो हमने कट किया था उसको हमने फैब्रिक के ऊपर इस तरह से लगा के, और 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हमने इसकी कटिंग कर ली है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हम ऊपर की तरफ से इसको इस तरह फोल्ड करेंगे जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसकी, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे।
अब हम चारों तरफ से इसको इसी तरह से फोल्ड करते ही जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, हमने इसके चारों तरफ इस तरह से इसको सिलाई लगा के अच्छे से सेट कर लिया है। ओके, अब हम इसको अपनी स्लीव्स के ऊपर अटैच करेंगे। वो हम किस तरह से करेंगे देखिए, ये हमारी स्लीव्स है, इसको हम इसके ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। बीच सेंटर को हम सेंटर से मिलाते हुए यहाँ से, और यहाँ पर हम एक पिन लगा लेंगे इसको अच्छे से सेट करने के लिए बिल्कुल बीच सेंटर में। और अब हम यहाँ से अपनी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और ये वाली जो सिलाई हम लगाएंगे, ये बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल इसके पास से ही लगानी है हमें। और ये वाली सिलाई हमें यहाँ तक लगा के फिर हमें ऊपर की तरफ जिस शेप में हमने इसकी कटिंग की है उसी शेप में हमने सिलाई को कंप्लीट करना है। और ध्यान रहे हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो, बिल्कुल इक्वल रहे। तभी फिनिशिंग के साथ में हम अपने स्लीव्स के डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकेंगे। अब हमें क्या करना है, बीच में जो हमारा यहाँ पर एक गैप है, यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। जो हमने सिलाई लगाई है अंदर की तरफ, इसके पास से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ना है, उसके साइड से हमें इसको कट करना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब हम यहाँ इस तरह से इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे, और ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए इसमें। और यहाँ कॉर्नर के ऊपर से हम इस फैब्रिक को इस तरह से तिरछा कट कर लेंगे। अब हम इनको सीधा करेंगे। इसी तरह से कॉर्नर को यहाँ से दबाते हुए इस तरफ हम इसको सीधा कर लेंगे। और इसको आप इस तरह से कपड़े को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लीजिएगा। अब ये देखिए, उसी शेप में हमने इसको पलट के कॉर्नर के ऊपर से हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बारीक से। अब हम इसी तरह से इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है इसके चारों तरफ से। अब इसके अंदर हम जो हमारे पास वाइट कलर के मोती होते हैं, हम वो इसके ऊपर अटैच करेंगे। आप इसके ऊपर छोटे भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप बड़े भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास कुछ इस तरह के हैं, तो मैं ये वाला साइज इसके ऊपर लगा रही हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, आप इसके ऊपर अपनी मनमर्जी से आप किसी भी कलर के आप लगा सकते हैं। ओके, तो इसके लिए पहले हम छोटी सुई लेंगे, उसमें हम डबल धागा लगा लेंगे। और डबल धागा लगाने के बाद में हम यहाँ से इसमें लगाना शुरू करेंगे। इसको हम डबल कर लेंगे अच्छे से, पक्का करेंगे धागे को दो बार। इसी तरह से हम एक एक करके इन सभी को यहाँ पर लगा लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को हम अपने ट्राउजर पैंट पर भी बना सकते हैं, ट्राउजर पे पैंट पे, ठीक है। और इसे आप अपने स्लीव्स के ऊपर भी बना सकते हैं। ये वाला डिज़ाइन बनने के बाद में बहुत ही खूबसूरत सा लगता है फ्रेंड्स, और बहुत ही ईजी सा तरीका है। इसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो ये हमने एक एक करके सभी को यहाँ पर अच्छे से अटैच कर लिया है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है कुछ इस तरह से। देखिए कितना प्यारा सा बन के तैयार हो चुका है। इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड्स। ये देखिए अच्छे से बन के रेडी हुआ है। और इसी तरह से अब हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने अपनी दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरह से रेडी कर लिया है।
ओके। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। ये देखिए इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन लग रहा है, यूनिक सा डिज़ाइन है बिल्कुल, ठीक है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू।